पंजाब में एक तरफ वो सरकारें हैं जो अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को नशे में धकेल रहे हैं, एक तरफ हम हैं जो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज खुलवा के कह रहे हैं आओ बच्चे कैरियर बनाओ, बढ़िया जीवन बनाओ। इसी से घबरा गए वो, इसी से उनको लगता है ये तो हम तो ड्रग्स बेचने का धंधा करते थे, हम तो नंबर दो का धंधा व्यापार करते थे, ये ईमानदारी से स्कूल बनवा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं। इसी से घबरा के उन्होंने कल मेरे खिलाफ सीबीआई में केस करवा दिया। उनको लगा ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसको रोको। मैंने कहा आ जाओ सीबीआई वालों से बच्चा आज भी तुलवाएंगे बिठा के, और हिम्मत है तो गिरफ्तार करके ले जाना, मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूं। अगर मेरा काम रोकने की कोशिश करोगे तो मेरा काम नहीं रोक रहे हो, दिल्ली के 26 लाख बच्चों का काम रोक रहे हो। दिल्ली के 26 लाख बच्चों के लिए काम कर रहा हूं मैं, अगर मुझे रोकोगे तो मेरा कोई पर्सनल काम नहीं रुक रहा, मेरे 26 लाख बच्चों का काम रुक रहा है। इनकी दुआएं नहीं लगेंगी, बद्दुआएं लगेंगी। लेके आ जाओ तोता मैना, जितनी फौजें लेके आ जाओ, तुम्हारे ड्रग माफिया से भी लड़ेंगे हम। इस देश में ऐसी राजनीति लेके आएंगे जहां बच्चों को नशा नहीं, अच्छा खेल कूद और अच्छे पढ़ने का वातावरण, ऐसी राजनीति लेकर आने की बात करें। जैसे हमने कहा पंजाब में ड्रग माफिया है, मजीठिया बहुत बड़े, उनको गिरफ्तार करेंगे सरकार बनते ही, वैसे ही उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की तैयारी कर दी। कर ले मुझे गिरफ्तार, अगर बच्चों के लिए काम करना, अगर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनवाना, नए कमरे बनवाना, अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी व्यवस्था करना अपराध है, तो ये मैं हजार बार करूंगा, हजार बार करूंगा, हजार बार ये करूंगा।